हेलो गाइस, अगर आप इंस्टाग्राम का यूज करते हैं तो गाइस इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स और कुछ ऐसे सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं जिसका यूज आप 100% करने वाले हैं इस वीडियो के बाद। और गाइस लास्ट में मैं आपको एक ऐसे सेटिंग्स के बारे में भी बताने वाला हूं जिसका यूज आप 110% ही करेंगे। तो गाइस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे के बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहता हूं। तो चलिए वीडियो को ज्यादा देर ना करते हुए सीधा हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो गाइस सबसे पहले ट्रिक्स की बात करूं गाइस, तो मान के चलो आप किसी भी बंदा बंदी या एक्स या कोई भी फ्रेंड्स वगैरह किसी भी सर्कल में आप किसी का इंस्टाग्राम पर स्टोरी देखना चाहते हो, बट ये भी जानना चाहते हो कि सामने वाले को पता भी ना चले। आप ये भी चाहते हो कि सामने वाले को पता भी ना चले कि आप उसका स्टोरी देख लिए हो, तो वो कैसे कर सकते हो? तो चलिए मैं एक अपने पेज को ओपन कर लेता हूं और यहां से एक स्टोरी मैं आपको लगा के दिखा देता हूं, आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं, तो आपको विश्वास भी हो जाएगा कि ऐसे होता है। तो गाइस मान के चलो ये मेरा पेज है दिल ना समझ इंस्टाग्राम पे। अगर आपको शायरी पसंद है तो सिंपली आप दिल ना समझ इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो, या गूगल पे भी सर्च करोगे दिल अंडरस्कोर ना अंडरस्कोर समझ तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा और या इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा। आप यहाँ पे फॉलो कर लेना, यहाँ पे मैंने ढेर सारे शायरी भी पोस्ट कर चुका हूँ, तो आकर आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलो मान के चलो सबसे पहले ये है, मान के चलो ये मैं पोस्ट को अपने स्टोरी में लगाना चाहता हूँ। जैसे मेरा सेकंड पेज है, इस पे मैं लगा के आपको अपने पर्सनल अकाउंट पे आपको चेक करके दिखा देता हूँ। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं, आंधी से कुछ कहते अपनी औकात में रहे। तो चलिए इसे सिंपली यहाँ पे आया, ऐड टू पोस्ट स्टोरी में लगा दिया और यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया और सिंपली यहाँ से सेंड कर दिया और सेंड करके शेयर स्टोरी और यहाँ पे डन। तो गाइस जैसे मैं यहाँ पे इसे आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ आ गया, ये यहाँ देखिए, ये गाइस जैसे मैं यहाँ पे आपको अभी मेरा स्टोरी लग रहा है, ये देखिए स्टोरी लग गया और यहाँ पे भी नो व्यू है। बाकी सही में देख सकते हैं यहाँ पे व्यू आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे व्यू दिख रहा होगा। बट गाइस मैं अब इस पे दिखाना चाहता हूँ कि मैं इसे स्टोरी देख, चले सेकंड में अपना पर्सनल अकाउंट जो इंस्टाग्राम पे उसे मैं ओपन कर लेता हूँ और गाइस यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं दिल ना समझ सेकंड नंबर पे आपको एक स्टोरी दिखा रहा है। तो आप चाहते हैं कि आप इसका स्टोरी को आप देखना चाहते हैं बट सामने वाले को पता भी ना चले, तो वो कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले गाइस इसे आप लोड कर लेंगे, एक बार रिफ्रेश कर सारे डाटा को अपलोड कर लीजिएगा। तो ये मेरा अपलोड हो गया सारा डाटा। अब सिंपली आपको क्या करना है गाइस, इस डाटे को ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद गाइस आप सिंपली अब क्या करो, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश मारो, ये देखिए कूडेंट रिफ्रेश फिट बीच में लिख रहा है आपको, मतलब अब क्योंकि मेरा डाटा बंद हो गया तो अब नहीं होगा। अब सिंपली क्या करना है गाइस, यहाँ पे क्लिक करना है और इसके स्टोरी को वॉच कर लेना है। ये देखिए मैंने इसके स्टोरी को वॉच कर लिया, अपने सेकंड पेज का जो स्टोरी मैंने लगाया था इसे वॉच कर लिया। अब गाइस क्या सिंपली करना है, देखो जैसे अब मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ और इंस्टाग्राम को सिंपली यहाँ से क्लोज और डाटा को ऑन। अब सिंपली मैं आपको इंस्टाग्राम ओपन करके दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ से मैंने मेरे लिस्ट में जो है गाइस यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये जो इंस्टाग्राम का जो मैंने पेज था उसका स्टोरी में देख लिया, यहाँ पे आपको नहीं दिखा रहा है, ये देखिए ये आपको लास्ट में दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए दिल ना समझ जो देखा हुआ चीज़ में दिखा रहा है। बट गाइस जैसे ही मैं अपने सेकंड पेज पे आता हूँ, मान के चलो किसी का भी जो भी सामने वाला का बंदा का जो है, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डाटा भी ऑन कर दिया हूँ और यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं तो जो पोस्ट को मैंने अभी लगाया, ये देखिए गाइस यहाँ पे आपको नो व्यूज एड दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे अभी कोई भी व्यूज नहीं हुआ। इस तरह गाइस आप किसी का भी पोस्ट को स्टोरी को देख सकते हो और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा, चाहे आप एक्स का देखो चाहे दोस्त का देखो फैमिली मेंबर किसी का भी देख सकते हो। अब गाइस जैसे मैं मान के चलो अब मैं सेकंड पेज आपको दिखा देता हूँ, फर्स्ट पेज पे आकर यहाँ पे आएगा। अब मैं फिर से उसकी स्टोरी को वॉच कर लेता हूँ जो मैंने पेज पर लगाया था, ये देखिए गाइस मैंने इस स्टोरी को वॉच कर लिया। अब डाटा मैंने गाइस ऑन में वॉच किया है, तो अब देखिए सामने वाले में दिखेगा वो, मैं आपको दिखा देता हूँ सेकंड पेज पे आके और यहाँ आ गया और लास्ट में आ जाता हूँ, ये देखिए गाइस वन राम विजय ऑफिशियल जो मेरा पर्सनल अकाउंट है उससे मैंने इसे वॉच कर लिया। इसी तरह गाइस अगर आप किसी का भी स्टोरी को वॉच करना चाहते हो तो सिंपली आप पहले अपने पेज को लोड कर लो, रिफ्रेश कर लो और रिफ्रेश करने के बाद गाइस आप अपने डाटा को ऑफ कर लो और फिर इसके स्टोरी को देख लो जिसका भी देखना चाहते हो। अब बात करते हैं गाइस सेकंड टिप्स की। तो गाइस सेकंड टिप्स में मान के चलो आप अपना स्टोरी किसी भी खास बंदा बंदी या किसी भी फ्रेंड सर्कल या किसी भी फैमिली मेंबर्स को आप दिखाना चाहते हो बट आपका स्टोरी वो वॉच नहीं कर रहा, चाहे वो आपके फ्रेंड लिस्ट में हो या चाहे वो फ्रेंड लिस्ट में आपके नहीं हो, तो आप उससे कैसे आप अपनी स्टोरी को दिखा सकते हो? तो गाइस सबसे पहले मान के चलो मैं एक स्टोरी ले लेता हूँ इसमें से कोई भी एक, तो मान के चलो मैं इसे ले लिया। इश्क का कोई लोकतंत्र नहीं होता वरना धरना दे देकर तुझे अपना बना लेता। चलिए मैं इसे अपने स्टोरी में लगा लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ किसी भी पार्टिकुलर जिसे भी मैं अपना दिखाना चाहता हूँ तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे उसे आप टैग कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिया, यहाँ पे @ डाला
और यहाँ पे मैंने इसे टैग कर दिया, यहाँ पे डन कर दिया। आप गाइज मान के चलो, बट ये जैसे ही मैं टैग करता हूँ तो सामने वाले को मैसेज में चला जाता है और यहाँ पे टैग करता है तो देखता है उसने मुझे पर्सनली टैग किया है। बट आप चाहते हो कि ये सब नहीं दिखाना चाहते हो तो सिंपली आप इसे यहाँ से मिनिमाइज कर दो, मतलब स्मॉल कर दो। और स्मॉल करने के बाद गाइज इसे आप ऊपर में होल्ड या साइड में कहीं भी छिपा दो, मतलब एक तरह से। और छिपाने के बाद इसे सेंड टू शेयर और अपने स्टोरी में टैग कर दो। बट गाइज जैसे ही आप इसे टैग करते हो, अब देखना, चलिए मैं अपने सेकंड पेज पे पहले देख लेता हूँ यह स्टोरी अपलोड हो गया कि नहीं हुआ। तो यह स्टोरी मेरा अपलोड हो गया। अब गाइज चलिए मैं अपने जिस पेज पे मैंने जिस अकाउंट को मैंने यहाँ पे टैग किया था उसे देख लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैसेज आ गया कि समवन, जैसे देखिए मेंशन इन योर स्टोरी। बट गाइज मैं जैसे ही उस स्टोरी पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक कर, तो गाइज यहाँ मेरा नाम शो नहीं होगा। तो गाइज इस तरह से आप किसी भी पर्सनल अकाउंट को अपना स्टोरी को अगर दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो और उसका नाम भी शो नहीं होगा। वो समझ नहीं पाएगा कि मेरा नाम यहाँ कैसे टैग हो रहा है, टैग भी नहीं है और मेरा मेंशन भी बता रहा है। तो इस तरह से गाइज आप अपना स्टोरी पर्सनली किसी को भी दिखा सकते हो। अब बात करते हैं गाइज थर्ड टिप्स की। तो गाइज ये तो उतना खास नहीं है बट शायद कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा। तो सिंपली मान के चलो मैं अपने स्टोरी पे कुछ भी स्टोरी पे अपना लगाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे क्रिएट किया और यहाँ पे कलर को, यहाँ पे थीम को चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मान के चलो मैंने थीम चेंज कर लिया। अब गाइज मान के चलो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे महाराज टेक। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया महाराज टेक, ठीक है, सिंपली यहाँ पे लिख दिया, अब डन करता हूँ। अब गाइज ये देख रहे हैं आप नॉर्मल यहाँ पे जो लिखा हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले इसे आप फोन को चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली अच्छे से नजर आ सके, ठीक है। मैं एक नॉर्मल सा फोन ले लेता हूँ। अब गाइज इसे एक अट्रैक्टिव लिखने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जैसे आप बहुत जगह देखते हैं एक शैडो टाइप का लिखा रहता है तो कैसे लिखाता है। तो गाइज सिंपली सबसे पहले इसी टेक्स्ट को आप यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। चलिए मैं कॉपी कर लिया, डन कर लिया और फिर से एक उसे ही यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे उसे ही पेस्ट कर दिया, डन कर दिया। अब गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे इसे ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे रेड टाइप कलर या कोई भी कलर आपको जो अच्छा लगे वो आप ले लेना। जैसे चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इस कलर को। अब गाइज यहाँ पे जैसे इसे लिखा और यहाँ पे इसे सेम टू सेम इसी हेयर स्टाइल में यहाँ पे आप इसे इस तरह से लिख सकते हो। इसके साइज में सबसे पहले आप इसे कर लेना जो भी इसका साइज है उस साइज में। तो गाइज इस तरह से आप इसे यहाँ पे सेट कर सकते हो और काफी अच्छा लगता है गाइज। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे देखिए गाइज नीचे लग रहा है कि एक शैडो टाइप का लग रहा है। इस तरह से आप एक टेक्स्ट को अट्रैक्टिव लिख सकते हो और काफी अच्छा लगता है गाइज। जो भी आप एक अपना स्टाइल से लिखना अच्छे से सेट करके, मैं आपको एक एक्चुअली ऐसे बता दिया कि आप स्टोरी इस तरह से लिख सकते हो और गाइज देखने में काफी अच्छा लगता है, लगता है कि एक शैडो टाइप का लिखा हुआ है। तो गाइज ये स्टोरी आप इस तरह से अपना अट्रैक्टिव स्टोरी को लगा क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करता हूँ गाइज फोर्थ ट्रिक्स की। गाइज ये काफी अच्छा है और मे बी आपको अगर नहीं पता होगा तो ये आपको बेहद पसंद आएगा। मान के चलो गाइज मैं एक रील पे आ गया, जैसे कोई भी रील पे आ गया, यहाँ पे एक राहत जी का रील है। तो चलो मैं चाहता हूँ कि इसे डाउनलोड करूँ। बट गाइज यहाँ पे जब थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से सेव का ऑप्शन देता है और इस सेव आप सिर्फ अपने इंस्टाग्राम पे ही सेव कर सकते हैं, अपने एल्बम मोबाइल में गैलरी में सेव नहीं कर सकते। तो इसे सेव करने का तरीका क्या है, तो सिंपली गाइज क्या करना है आपको, जो यहाँ शेयर का ऑप्शन है इस शेयर पे क्लिक करना है और सिंपली एड रील टू योर स्टोरी, इसे अपना स्टोरी पे लगाना है। बट गाइज लगाने से पहले एक चीज को ध्यान देंगे यहाँ पे, कैसे इसे डाउनलोड करना है, आपको लगाना नहीं है। अब गाइज मान के चलो आप इसे जितना भी डाउनलोड करना चाहते हो तो जितना भी, जैसे मान के चलो फुल स्क्रीन में डाउनलोड करना चाहते हो जैसे फुल स्क्रीन में सेट कर दो और सिंपली यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डाउनलोड का एक ऑप्शन है, वहां पे आपको उस पे क्लिक करना। जैसे मैं मान के चलिए फुल स्क्रीन पे सेट कर दिया या फिर आपको जितनी भी करना है इतना जितना भी करना है आपको करना है। तो चलिए मैं इतना पे ऐसे सेट कर देता हूँ, इस तरह से मैंने इसे सेट कर दिया और यहाँ पे गाइज आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो भाई जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो ये आपका प्रोसेसिंग हो रहा है। तो ये नहीं कि आपका स्टोरी लग रहा है, आप इसे डाउनलोड करो अपने एल्बम में तो गाइज इसे आप डाउनलोड कर लोगे। तो गाइज इस तरह से देखिए वीडियो सेव्ड हो गया है। अब मैं इसे स्टोरी पे नहीं लगाता हूँ, यहाँ पे डिस्कार्ड करता हूँ, मैंने स्टोरी नहीं लगाया गाइज, बस रील को सेव कर लिया। अब गाइज जैसे मैं अपने गैलरी में आपको दिखा देता हूँ और ये आ गया गैलरी में, ये देखिए गाइज गैलरी में ये मेरा जो वीडियो मैंने सेव किया रील से यहाँ पे दिख जाएगा। और गाइज ये ऑडियो वीडियो दोनों रिकॉर्ड होता है, बहुत लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि ऑडियो रिकॉर्ड होगा कि नहीं, ऑडियो भी रिकॉर्ड होगा गाइज और वीडियो दोनों रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आप इस तरह से रील को आप
डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस अब नेक्स्ट ट्रिक्स की बात करता हूँ, फिफ्थ ट्रिक्स की। तो गाइस इसमें मान के चलो आप कोई भी स्टोरी को लगा रहे हो, तो चलो मैं अपने पेज पर आ जाता हूँ सिंपली, पहले दिल ना समझ पे, तो यहाँ पे मैं आ गया और मान के चलो मैं एक स्टोरी को लगा देता हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाने के लिए एक स्टोरी को यहाँ पे लगा भी देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ जैसे कोई भी स्टोरी, एक स्टोरी को मैं कोई भी एक्चुअली ऐसे ही ले लेता हूँ। तो चलिए मैं ये ले लिया, बनारस का घाट हो तुम, तुम्हें छूने के लिए मुझे गंगा होना होगा। तो सिंपली चलिए मैं इसे यहाँ पे स्टोरी पे लगा लिया। अब गाइस मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टोरी, जैसे मैं एक पेज बनाया है तो गाइस मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टोरी काफ़ी लोगों तक रीच करे, तो सिंपली ऐसे अगर लगा दूंगा तो काफ़ी लोगों तक रीच नहीं करेगा। तो रीच करने का सबसे अच्छा प्रोसेस क्या है, आप सिंपली कोई भी हैशटैग को यहाँ पे क्रिएट कर लेना। तो चलिए मैं एक हैशटैग ले लेता हूँ, कोई भी आप अपने अनुसार से ले लेंगे। मैं आपको एक्चुअली अभी ऐसे ही दिखा देता हूँ कि आप वहाँ पे हैशटैग को कैसे लगा सकते हैं और कैसे हैशटैग लगाने से क्या होता है वो भी मैं आपको बतला देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप अपने पोस्ट के अनुसार से हैशटैग यहाँ पे डालना गाइस। मैं आपको ऐसे ही एक नॉर्मली मैं ऐसे ही एक हैशटैग ले रहा हूँ, बट आप अपने पोस्ट के अनुसार से ही हैशटैग को लेना। और हैशटैग वगैरह कहाँ से लेता है उसका मैं वीडियो पहले ही बना दिया हूँ, तो आप वो देख लीजिएगा कि हैशटैग कहाँ से लाते हैं। तो चलिए मैं अभी इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो सिंपली इस तरह से गाइस मैंने इसे कॉपी कर लिया। अब मैं आता हूँ अपने इंस्टाग्राम के पेज पे और अपने स्टोरी पे क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे टैप करता हूँ टिपने के लिए और यहाँ पे उसे पेस्ट करता हूँ। अब गाइस यहाँ पे मैंने इतने सारे हैशटैग को ले लिया है। अब गाइस मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हैशटैग को दिखाना नहीं चाहता क्योंकि खराब लगता है हैशटैग को। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लियरली दिख नहीं रहा होगा तो आपको समझ में कैसे आएगा, मैं इसलिए इसे थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख सके। अब गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो है हैशटैग, मैं इसे सिंपली स्मॉल किया, जैसे एट द रेट आपको टैग करने के लिए बताया था उसी तरह इसे भी आप ऊपर कर देंगे, हाइड कर देंगे और सिंपली यहाँ पे सेंड और यहाँ पे शेयर और यहाँ पे डन कर देंगे। तो गाइस इस तरह से जैसे ही आप अपने स्टोरी को लगाते हैं आप चेक करना लगाकर, आपको नॉर्मल जो आप स्टोरी लगाते हो और जो हैशटैग के साथ स्टोरी लगाओगे तो आपका हैशटैग वाला स्टोरी पे सीन ज़्यादा आएगा। तो इससे क्या होता है गाइस, आपके फॉलोवर्स बढ़ने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं और आपका अकाउंट जल्दी पॉपुलर होने का चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह से गाइस आप अपने स्टोरी को ज़्यादा लोगों तक रीच करा सकते हो। तो गाइस अब बात करते हैं सबसे लास्ट और सबसे मतलब आप इसी का इंतजार कर भी रहे होगे सिंपली। तो चलिए अब मैं आता हूँ सबसे पहले अपने पर्सनल अकाउंट पे और यहाँ पे जो सबसे लास्ट है उसे बताता हूँ। तो गाइस मान के चलो आप आपका अकाउंट एक साल पुराना है, दो साल पुराना है, तीन साल पुराना है, ये जितना भी पुराना हो, आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो हो आज से एक साल पहले, किसी भी लड़की, किसी भी लड़का, किसी भी बंदा, किसी भी बंदी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, बट आप तो भेज दिए, सामने वाला एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, किया तो आपको नोटिफिकेशन आएगा उसी तक आप ध्यान रखें। और मान के चलो नोटिफिकेशन नहीं है, आपने भेज दिया, आप भुला भी गए हो कि मैंने रिक्वेस्ट भेजा था किसी को। अब सामने वाला आपका फ्रेंड है, मान के चलो कोई भी लड़की, मान के अब किसी लड़की को या किसी आप लड़की हो तो लड़का को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो और उसने एक्सेप्ट नहीं किया, आपको तो सो नहीं हो रहा, बट उसके रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन में आपका नाम हमेशा शो करते रहता है कि ये बंदा ने मुझे रिक्वेस्ट भेजा, मैंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। तो आप ये कैसे चेक कर सकते हो, चाहे एक साल पुराना हो, चाहे छः महीना, चार महीना, दो महीना, मतलब जितना भी पुराना हो, जब से अपना अकाउंट खोले तब से लेकर आज तक। तो सिंपली क्या करना है गाइस, आप यहाँ पे थ्री डॉट पे आ जाओगे, थ्री डॉट पे आने के बाद गाइस आपको सिंपली सेटिंग्स पे आना है और सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको आ जाना है यहाँ पे सिक्योरिटी में। तो गाइस सिक्योरिटी में आने के बाद आप देखो नीचे देख रहे हो डाटा एंड हिस्ट्री में, इसमें आपको एक एक्सेस डाटा का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। गाइस एक्सेस डाटा में बहुत से ऐसे ऐसे सेटिंग्स है जिससे आपको जानना जरूरी है, अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हो और एक्सेस डाटा के बारे में नहीं जानते तो आप कुछ नहीं जान रहे हो। तो इस पे मैं एक स्पेशल वीडियो पहले भी बना चुका हूं, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप वहां से जाकर देख लेंगे। तो चलिए एक्सेस डाटा पे आया और एक्सेस डाटा पे आने के बाद गाइस आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहां पे देखिए कनेक्शन में लिखा हुआ है करंट फॉलो रिक्वेस्ट, आपको सिंपली व्यू वॉल पे क्लिक करना है। गाइस जैसे ही आप व्यू वॉल पे क्लिक करते हो तो गाइस यहां पे आप देख सकते हैं इतने लोगों को मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट, जब से अकाउंट खोला हूं तब से लेकर आज तक मैंने इतने लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, ऐसा तो बहुतों को भेजा है तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, बट इतने लोगों को मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जो अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसे तो मैंने अपना अकाउंट अभी नया बनाया है क्योंकि पहले वाला अकाउंट पता नहीं किस कारण से डिसेबल हो गया और अब ओपन भी नहीं होता है, तो इस वजह से मैंने नया अकाउंट बनाया है। तो गाइस अगर आपको इंस्टाग्राम से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर लेना और पर्सनली मुझे कोई भी चीज़ इंस्टाग्राम से रिलेटेड आप पूछ सकते हो और मैं आपको 100% गाइड कर दूंगा। तो गाइस जैसे ही मैंने वहाँ पे कॉपी कर लिया, देखिए मैंने आपको बात में भुला गया कि आपको वहाँ पे क्या बतलाने वाला था। तो सिंपली गाइस जैसे ही मैं सिक्योरिटी पर आया, एक्सेस डाटा,
और यहाँ पे सिंपली करेंट फॉलो रिक्वेस्ट। मान के चलो गाइज अब इतने सारे को लेगा, अब इसे मुझे अनफॉलो करना है तो क्या करना है, सिंपली आप यहाँ पे सर्च करना, यहाँ पे कॉपी करना होल्ड कर, और कॉपी करने के बाद गाइज बैक आ जाना। बैक आने के बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स में यहाँ पे उस जो नाम आपने वहाँ पे कॉपी किया था यहाँ पे सर्च कर दो और यहाँ पे क्लिक करो। गाइज मैंने इस बंदे को फॉलो रिक्वेस्ट भेजा है बट इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अब आप चाहते हो कि इसे अनफ्रेंड करना है तो सिंपली आप यहाँ से अनफ्रेंड करना, मतलब इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो अनफॉलो कर दो, यहाँ से रिक्वेस्ट कैंसिल कर दो। इस तरह से गाइज आप अपने इंस्टाग्राम पे जितने भी पुराना आप कोई भी रिक्वेस्ट को भेजे हो तो आप उसे अनफॉलो कर सकते हो यहाँ से चेक कर कर, और सामने वालों को भी हटा सकते हो। तो गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे, और गाइज अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे के बेल आइकन को जरूर दबाइएगा क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।